गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द गियर टेल्स। मैं हूं दिपजीत और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। सो टुडे इट्स 15th फरवरी 2022 एंड राइट नाउ इट्स 1:52 पीएम इन द आफ्टरनून। ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बिलेटेड वैलेंटाइंस डे। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं घर। मेरा घर यहां से सिलीगुड़ी से है 140 किलोमीटर्स इफ आई टेक दिस रूट। ऑलराइट, जनरली मैं वो सेवक का रूट लेता हूँ, लेकिन आज आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस रूट। सो चलते हैं एंड दिस इज तीन बत्ती मोर। ठीक है, तो लेट द सिग्नल टर्न ग्रीन एंड आई विल सी यू बैक ऑन द रोड। ऑलराइट दोस्तों, तो एज यू कैन सी द रोड इज़ हेविली क्राउडेड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। एंड इस टाइम पर घर से निकलने का ना ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो सामने थोड़ा देर बाद फोर लेन रोड आ जाएगा, कोई बात नहीं है, बट अभी तक इट्स लाइक अ पनिशमेंट क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रक्स है यहाँ पे। एज यू कैन सी, कोई नहीं, आगे से तो फोर लेन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ से फोर लेन स्टार्ट होता है, तो अभी से आई गेस आई कैन मेंटेन सम गुड पेस। ओके, तो लेट मी ओवरटेक दिस बिग ट्रक। ऑल राइट, तो यहाँ से फोर लेन चालू हो चुका है, लेकिन आई हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इंडियन हाईवेज आर फुल ऑफ इडियट्स, जिनको ड्राइविंग और राइडिंग के बारे में जीरो नॉलेज होता है। तो वो याद रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे राइड करना है आज, तो मुझे ये रोड स्ट्रेट लेना है। तो ये जो रोड है ना दोस्तों, ये कनेक्ट करता है, दिस कनेक्ट सिलीगुड़ी एंड जलपाईगुड़ी। ठीक है, एंड अगर मैं सीधा जाऊँ तो आई विल रीच डुअर्स हैमिल्टनगंज, जो मेरा होम टाउन है। आज मुझे वहाँ पे जाना है, मेरा घर जाना है मुझे। तो बीच में आएगा जलपाईगुड़ी बाईपास, मतलब जलपाईगुड़ी को बाईपास करते हुए जाएंगे, फिर आएगा धूपगुड़ी, बीरपारा, हासमारा, तो ये सब जगह को पार करते हुए हम लोग जाएंगे। सो लेट अस गो, लेट अस एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सनी डे। ऑफ वी गो। दोस्तों, तो ये था पहाड़पुर मोड़, यानी कि आप जलपाईगुड़ी कह सकते हो। तो हम लोग जलपाईगुड़ी क्रॉस कर चुके हैं एंड अभी मोइनागुड़ी, धूपगुड़ी, वो सब जगह पार करके हम लोग हैमिल्टन जाएंगे, जो कि आज का डेस्टिनेशन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं जनरली जब जाता हूँ तो मैं वो सेवक वाला रूट लेता हूँ बिकॉज दैट इज़ मोर सीनिक एंड उसमें क्राउड भी कम रहता है, ट्रैफिक भी कम रहता है। तो अगर आपको सिलीगुड़ी से हैमिल्टनगंज थ्रू सेवक रूट देखना है तो चेक दिस वीडियो विच इज पॉपिंग अप इन द आई कार्ड एंड आई विल ऑल्सो ड्रॉप द लिंक टू दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ऑल राइट, तो ये है नेशनल हाईवे 31D, NH 31D। ऑल राइट, तो अभी तक तो रोड इज लाइक सुपर फाइन मक्खन जैसा रोड है, फोर लेन रोड है, बहुत अच्छा स्पीड मेंटेन करके आया हूँ यहाँ तक। उम्मीद है कि आगे भी रास्ता अच्छा रहेगा। ठीक है, नाउ स्पीकिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ FZ25 ऑन द हाईवे, एक बहुत ही प्रॉब्लम सा चीज़ है लैक ऑफ विंडशील्ड। ठीक है, तो जिसके कारण आपको थोड़ा बफेटिंग फील होगा आपके हेलमेट के ऊपर। तो अगर आप ज़्यादा हाईवे क्रॉसिंग करते हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ विंडशील्ड। आपको एक विंडशील्ड लगाना चाहिए फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द विंड वाइल क्रूजिंग ऑन द हाईवे। सेकेंड चीज़, वॉट इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल क्रूजिंग स्पीड ऑफ FZ25 BS6? अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट कम्फर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, जहाँ पे मिनिमम वाइब्रेशंस होता है एंड जिस स्पीड पे गाड़ी कम्फर्टेबली क्रूज करता है, दैट इज़ 90 km/h एट 6000 RPM। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज़ द सिटिंग कम्फर्ट। देखो, इसका जो फुटपैक है ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्लाइटली रियर सेट है, एंड मैंने ये चीज़ पहले भी बताया था, इसका जो सीट है थोड़ा सा स्लैंटिंग है। एज सच दिस इज़ नॉट अ वेरी अपराइट पॉस्चर, आफ्टर ऑल इट्स अ स्ट्रीट बाइक, स्ट्रीट नेकेड स्ट्रीट बाइक, तो आप इससे ज़्यादा कम्फर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, उतना भी ज़्यादा मतलब टायरिंग नहीं है, बट येस डेफिनेटली इट्स नॉट वेरी कम्फर्टेबल। ऑल राइट, एंड हाईवे क्रूजिंग की जब आप बात करते हो, जब आप उस स्पीड पर कॉन्स्टेंटली क्रूज कर रहे हो बिना ज़्यादा गियर चेंज किए, तो मुझे लगता है दिस बाइक रिटर्न्स अराउंड 35 km/h इन दैट
इन दैट स्पीड, यानी कि 90 km/h एट 6000 rpm, अगर आप इस स्पीड पे कंफर्टेबली क्रूज कर रहे हो हाईवे के ऊपर, तो आपको 35 km/h का माइलेज तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो दीज आर माई ऑब्जर्वेशन दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है ना, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और दोस्तों यू कैन ऑल्सो कंसिडर फॉलोइंग द इंस्टाग्राम हैंडल ऑफ द चैनल एट द गियर टेल्स फॉर फोटोज, रील्स एंड रेगुलर अपडेट्स। ऑल राइट। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ। विथ दैट सेड, लेट्स कंटिन्यू विद द जर्नी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बाइक है ना, FZ25 BS6, इस बाइक में, और लेट से मेरे इस बाइक में एक प्रॉब्लम है कि जब मैं क्रूज़ करता हूँ विद इन द रेंज ऑफ 65 to 70 km/h, तो बाइक का जो हैंडल है ना, बहुत ज़्यादा वॉबलिंग करता है। लेट मी शो यू, जस्ट सी, ओके, जस्ट लुक एट द हैंडल बार। देखो, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, जिसके लिए बाइक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है उस स्पीड में। तो इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इट्स बिकॉज ऑफ द टायर्स, जो फ्रंट टायर है, आई थिंक सो दैट्स डिफेक्टिव टायर। तो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। लेट्स सी, लेट्स ऑब्जर्व इट फॉर सम मोर टाइम एंड देन लेट्स सी इफ आई कैन कम अप विद अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। लेकिन हाँ दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी रियल प्रॉब्लम, दिस इज़ अ वेरी रियल थिंग। हालांकि ये एक्सपीरियंस करते करते अभी मुझे आदत सा हो गया है, लेकिन पहले जब मैं चलाता था और जब ये वॉबलिंग होता था तब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अनइजी फील होता था। लेकिन ये देखो, इसको देखो, वेरी नाइस, रॉन्ग साइड में यार। लेकिन अभी दोस्तों ये इट हैज़ बिकम लाइक आई हैव बिकम हैबिचुएटेड टू दिस। हालांकि ये बहुत रिस्की है एंड दैट इज़ वाई इसका सोल्यूशन बहुत जल्द निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है बात। ओके दोस्तों, तो राइट नाउ इट्स 2:58 PM और इट्स 3 PM इन द आफ्टरनून एंड हम लोग पहुँच चुके हैं धूपगुड़ी। तो यहाँ पे मुझे एक पानी का बोतल लेना है बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर हाइड्रेशन ब्रेक। तो यहाँ पे सिग्नल है रेड, तो आगे रुक के पानी खरीदना है और पानी पीना है। ओके, सो लेट द सिग्नल टर्न ग्रीन। तो दोस्तों धूपगुड़ी के बाद 4 lane हो जाता है ख़त्म और शुरू हो जाता है 2-lane road। एज सच We have to be very careful. All right. तो यहाँ से हासीमारा है 50 km और हासीमारा से मेरा घर हैमिल्टन है ऑलमोस्ट लेट्स से 10 km, तो और 60 km रह चुका है डिस्टेंस बाकी। लेकिन द थिंग इज ट्रैफिक बढ़ गया है और रोड हो चुका है नैरो, जिसके चलते स्पीड भी घट जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो रोड है ना, दिस इज़ फुल ऑफ इडियट्स। आपने देखा होगा, मतलब क्या बोलूँ यार, रॉन्ग साइड से आ जाते हैं, बिना देखे रोड क्रॉस कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधानी से जाना होगा। तो फाइनली रीच्ड हैमिल्टनगंज, माय होम टाउन। अभी बज रहा है 4:01 PM इन द आफ्टरनून। तो एवरेज स्पीड आप कह सकते हो इट वाज स्लाइटली लेस देन 70 km/h। एनीवेज, तो पहुंच चुके हैं घर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है दोस्तों। चलो, बाय बाय।